नमस्कार बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग सीएसएस फाइल्स, दैट इज इनलाइन स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू व्हाट इज इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल इज वन ऑफ द मेथड यूज टू अप्लाई द सीएसएस ऑन द एलिमेंट ऑफ द वेब पेज। बच्चों, इन दिस मेथड स्टाइल डिक्लेरेशन इज गिवन विद ईच इंडिविजुअल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। लेट्स सी हाउ। आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक सिंपल बॉडी टैग के अंदर श्याम एक टेक्स्ट ले रखा है। इस टेक्स्ट के जस्ट बिलो मैं एचआर जो हमारा टैग है, जिसके थ्रू एचआर एलिमेंट है, जिसके थ्रू हम हॉरिजॉन्टल रूल लाइन लेकर आते हैं, तो उस एचआर को यूज़ करा है। सपोज करो बच्चों, अगर मैं एचआर को यहाँ पे सेलेक्टर बनाकर और इंटरनल सीएसएस क्रिएट कर देता, तो वेयर एवर रिपीटेडली मैं एचआर टैग यूज़ करता, वहाँ सभी जगह पर सेम स्टाइल ऑफ कोड अप्लाई हो जाता। बट यहाँ पर मैं एचआर स्टाइल अलग से बॉडी टैग के अंदर शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो भी मैं यहाँ स्टाइल सेट करूँगा वो सिर्फ इसी एचआर के ऊपर एप्लीकेबल होगी, अदर्स पे नहीं। ओके, तो गौर से देखिए, मैंने यहाँ पे एचआर में स्टाइल एट्रीब्यूट को सेट करके यहाँ पे विड्थ डाल दिए 50%। लेट्स सी देयर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एचआर के इफेक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। लेट्स सी, ये देखिए बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा एचआर से एक सेंटर पे लाइन आ रही है जिसकी विड्थ है 50%। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट इट इज सेंटरली अलाइन। अब गौर से देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक पी टैग यूज़ करा है, तीन पैराग्राफ मैंने यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों पैराग्राफ के अंदर बच्चों मैंने स्टाइल शीट को रिपीट करा है, स्टाइल एट्रीब्यूट को, जिसके अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज इसकी सेट करी है, लाइक फॉन्ट फैमिली मोनोटाइप कोड सिवा, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट कलर रेड। मैं यहाँ पे मोनोटाइप कोड सिवा हटा के दूसरी वाली लाइन का कर देता हूँ कॉमिक सेंस, एंड थर्ड वाला जो है उसका कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, न्यू रोमन। ठीक है, हम फॉन्ट का कलर भी फॉन्ट का साइज डिफरेंट कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएशन दिख जाए। लेट इसे मैं कर देता हूँ 30 और इसे मैं कर देता हूँ 25। ओके, लेट्स सी देयर इफेक्ट। ये देखिए बच्चों, अब यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, सिंपली आपके जो ये हैं दैट पर्टिकुलर स्टाइल टैग है वो डिफरेंट डिफरेंट पी टैग के ऊपर डिफरेंटली एप्लीकेबल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ही पी सेलेक्टर को, अगर मैं यहाँ पर बच्चों इस तरह से देखिएगा, मैं यहाँ पर पी सेलेक्टर को क्रिएट कर देता हूँ इस तरह से, इस हेड टैग के अंदर। सपोज करो मैंने स्टाइल के अंदर पी टैग को इस तरह से अगर सेलेक्ट कर दिया होता, ठीक है बच्चों, तो प्रॉब्लम क्या आती, जहाँ जहाँ पे भी मेरा पी होता है उस जगह पर एक कॉमन एट्रीब्यूट ही एप्लीकेबल होता है। जैसे मेरे को यहाँ से भी हटाना होता और यहाँ से भी हटाना होगा, जहाँ जहाँ पर भी मेरा पी टैग होगा वहाँ सब पे एक कॉमन स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, ये इसको स्टाइल टैग बंद कर देते हैं। ये देखिए बच्चों, तीनों के ऊपर एक कॉमन स्टाइल ही एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये आपके डिफरेंट इफेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग यहाँ पर कॉमनली पी टैग की सेटिंग कर देते हैं इन स्टाइल एट्रीब्यूट, इन स्टाइल एलिमेंट बनाकर इन दैट इंटरनल सीएसएस, तो वो आपका वंस एक बार में सेट हो जाता है, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी आप पी टैग को यूज़ करेंगे वहाँ पर वो कॉमनली अप्लाई हो जाएगा। जबकि पहले हमने ये देखा था कि अगर हम लोगों ने पहले ही पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर यहाँ पे स्टाइल सेट कर दिया है, तो वो इंडिविजुअल सब पे अलग अलग सेट होगा। ओके, अब नाउ हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दैट इज आवर बॉर्डर प्रॉपर्टीज। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। तो गौर से देखिए बच्चों, बॉर्डर को चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हर पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर उसकी स्टाइल एट्रीब्यूट को सेट कर दिया है इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर सबसे पहले दिखाया बॉर्डर का, बॉर्डर स्टाइल दैट इज डैश्ड, देन सेमी कॉलन, देन इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेट आई एम हैविंग बॉर्डर का कलर, बॉर्डर कलर दैट इज, माना कि फर्स्ट वाले का मैंने रेड कर दिया है, सेकेंड वाले का मैं बॉर्डर कलर चेंज कर देता हूँ आफ्टर सेमी कोलन आई एम राइटिंग इट।
आफ्टर सेमी कोलन राइट राइट ठीक है। सेकंड वाले का मैं येलो कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं बच्चों मानो कि इसे ग्रीन। ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया, इसको मैंने F5 करके ये देखिए बच्चों रेड ग्रीन ब्लू ये तीनों के तीनों जिस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे मैंने ये अप्लाई करा है बॉर्डर एलिमेंट तो उसका जितना भी कंटेंट है वो बॉर्डरली अलाइंड हो गया। आप चाहें तो बॉर्डर की डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल भी होती हैं जैसे हिडन डॉटेड डैश्ड, जैसे यहाँ पर मैं अपन डॉटेड करके देख लेते हैं। जैसे मैंने बॉर्डर की स्टाइल यहाँ पर डॉटेड कर दिया है तो मेरा डॉटेड स्टाइल के अंदर एक ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए बच्चों यहाँ पर येलो वाले का मैंने डॉटेड कर दिया, बाकी दोनों डैश्ड आ रही हैं। ओके बच्चों तो ये थी हमारी बॉर्डर बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी के बाद मार्जिन प्रॉपर्टी आई ऑलरेडी टोल्ड यू ठीक है। तो ये सारी बच्चों वो प्रॉपर्टी आप यहाँ से इसमें बॉर्डर की विड्थ भी सेट कर सकते हैं बच्चों। गौर से देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले के अंदर बॉर्डर की विड्थ भी चेंज करके दिखाता हूँ। बॉर्डर विड्थ कोलन जैसे माना कि मैंने डाल दिया 20 ज़्यादा हो जाएगी, अपन मीडियम कर लेते हैं। ये देखिए कंट्रोल एस ये F5 तो आपको दिख रहा होगा उसका जो बॉर्डर की विड्थ है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है ठीक है। ये देखिए ये थोड़ी सी बड़ी हुई ठीक है। तो ये है बच्चों बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी ठीक है। इस तरह से आप अपनी पर्टिकुलर जो CSS है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करके इन्हें चला सकते हैं। ओके बच्चों दिस चैप्टर इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।